नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने चतुर्थी को एकदम अलग तरीके से मनाया। महालया से लगातार पूजा उद्घाटन के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नवनीत वृद्धाश्रम पहुंची। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने आश्रम में रहने वाली वृद्धाओं के साथ समय बिताया। यहां आकर सीएम भावुक हो गईं तथा अपनी मां को याद करने लगीं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे घर की माताएं आप लोग ही हैं। आप लोगों को देखकर अपनी मां की याद आती है, उनका दुलार व प्यार याद आता है। এবং আমার সাথে প্রতিবারই আসে আমার সতীর্থ ববি এবং ইন্দ্রনীল। আমরা দল বেঁধে আসি, কারণ আমাদের এই জায়গাটা না হলে পুজোর চতুর্থী সমাপন হয় না এবং পুজোর আগমন বার্তা আবাহন সঙ্গীত যেটা সেটা সমাপন হয় না। আমাদের সকলেরই হয়তো আজকে ইন্দ্রনীলের মাকে হারিয়েছেন, ববিও মাকে হারিয়েছেন, আমিও মাকে হারিয়েছি। আমাদের ঘরের মা আজকে আপনারাই, এবং বিশেষ করে আপনাদের দেখে আমরা আমাদের মায়েদের কথা মনে করি। তাই পুজোর আগে প্রতি বছর আপনাদের মুখ দেখাটা আর আপনাদের সাথে দেখা করাটা আপনাদের। চতুর্থী সে পূজা পণ্ডালো মে উমড়ি ভিড়, पुलिस उतरी सड़क पर। 10,000 जवानों समेत कुल 17,000 पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। टाला ब्रिज से चालू हुई बसों की आवाजाही, बस ड्राइवरों का सवाल, क्या वापस आएंगे पुराने यात्री। मोहम्मद अली पार्क दुर्गा पूजा हमेशा लोगों को बहुत पसंद आती है। इस साल इस पार्क को 54 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए पंडाल को राजस्थान के शीश महल जैसा बनाया गया है। शीश महल की थीम पर पंडाल तो बना है, जिसमें हजारों शीशे लगे हैं जो राजस्थान की याद दिलाते हैं। आज यहां का उद्घाटन हुआ, आइए देखते हैं हमारे कैमरा पर्सन दीपेन उपाध्याय के कैमरे में कैद वीडियो। मंच में संचालक बंगाल के लोग ये पूजा देख के इस बार जरूर खुश होंगे, कोलकाता का लोग तो होंगे ही। प्रसिद्ध दुर्गा पूजा का बीच में एक मोहम्मद अली पार्क का नाम बहुत आगे आते हैं। मोहम्मद अली पार्क का पूजा वापस मोहम्मद अली पार्क के अंदर हो रहा है, जैसा कि पिछले 2 साल से सड़क पे बनाया जा रहा था वो नहीं। तो भाई और बहनों, आप लोग आवाज़ दीजिए, ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पूरी टीएमसी की टीम आपके सेवा में लगी रहेगी। 1 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने की संभावना। 2 से 5 तारीख तक दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। बैरकपुर शिल्पांचल के हाली शहर खासवाती गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित खासवाती जूनियर स्कूल में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग को लेकर इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन लगभग 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब रुक करते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। कार में 6 एयरबैग जरूरी करने का फैसला टला। गडकरी बोले, अभी सप्लाई में दिक्कत, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नियम। अब रुक करते हैं मनोरंजन की खबरों की ओर। कभी शीशे सा चमका तो कभी हीरो से सजाया, इन तस्वीरों में देखें नोरा का बेपनाह हुस्न। कल का मौसम, महानगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। थोड़े बादल छाए रहने की संभावना है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।